हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। Who will stop me? ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है लेकिन कारगिल में
शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उससे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पुनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। कारण जवाब देता है आप और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की
उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है, आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में।
करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो एकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा
फर्राता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी
करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है।
ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रूमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रूमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उससे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के
पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पुनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोर्टर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। कारण जवाब देता है आप और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है। अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल
दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। कारण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति
से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है, आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है, जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है।
आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करंग संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो एकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामिले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। कारण जवाब देता है, आप
और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक
12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि करण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है, जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है, जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वह अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उससे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पुनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की
सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रूमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रूमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को
लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रूमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रूमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग
1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी खती हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर
दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है, आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है, जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है, जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है।
परेशान होकर वो एकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है, आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में।
करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उससे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पुनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा
फर्राता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। करण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। करण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी
करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोर्टर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि करण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है।
ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रूमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रूमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस्य से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के
पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 0.5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है जहां उसे कार्यवाहक कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल
दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति
से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 3rd बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उससे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पुनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है, आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है, जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है।
आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वो एकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है, जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी क्षति हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक 12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि कारण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगड़ाते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और रोमी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। कारण जवाब देता है, आप
और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। करण शेडगिल दिल्ली में रहने वाला एक लक्ष्यहीन अमीर लड़का है जिसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। उनकी प्रेमिका रोमिला दत्ता उर्फ रोमी, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जीवन में एक लक्ष्य रखने की जरूरत है। आखिरकार वो भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में सोचता है जब उसके एक दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि उसके निर्णय के बारे में जानने पर उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। क्रोधित होकर वो अपने निर्णय पर कायम रहने का निर्णय लेता है। करण संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा देता है और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में चयनित हो जाता है। हालांकि उसके अनुशासन की कमी, अति आत्मविश्वास और आलस से उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देता है। परेशान होकर वह अकेडमी से भाग जाता है और उसे अपने माता पिता की उसके प्रति निम्न राय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके निर्णय के कारण रोमी को अपनी पसंद का सम्मान ना करने के कारण गुस्से में उसे संबंध विच्छेद करना पड़ा। तबाह होकर करण अनंत अपनी स्थिति से सहमत हो जाता है और भारतीय सैन्य अकेडमी लौट आता है, अपनी सजा लेता है और एक केंद्रित और अनुशासित अधिकारी बन जाता है। एक साल बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए और पंजाब रेजिमेंट की 30वीं बटालियन में तैनात हो गए, जिसकी कमान कर्नल सुनील दामले के पास थी। बटालियन कारगिल लद्दाख में तैनात है। करण छुट्टी पर दिल्ली लौटता है और ये जानकर दुखी हो जाता है कि रोमी अपनी सहकर्मी से सगाई कर रही है। वो अपने माता पिता से भी मिलता है, लेकिन कारगिल में शत्रुता फैलाने के कारण इसकी छुट्टियां कम हो जाती है। वो अपनी बटालियन में वापस रिपोर्ट करता है, जहां उसे कार्यवाह कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। कर्नल दामले ने अधिकारियों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और खुलासा किया कि कई घुसपैठियों ने पाकिस्तान से नियंत्रण रखा पार कर ली है और वर्तमान में सीमा के भारतीय हिस्से में पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। बटालियन को फाइट 5179 को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, जो सेना की मुख्य आपूर्ति लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर हावी होने वाला एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। पहाड़ का उत्तरी किनारा LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है और दक्षिणी हिस्से में 3 किलोमीटर खाली जमीन है जिसमें कोई छत नहीं है। इसलिए बटालियन ने पहाड़ के पूर्वी हिस्से से हमला करने का फैसला किया। हमले का पहला भाग सफल है। बटालियन दुश्मन की स्क्रीनिंग इकाइयों को नष्ट कर देती है और करण को एक अन्य अधिकारी की जान बचाने में उसकी बहादुरी का हवला दिया जाता है। इस बीच रोमी एक युद्ध संवाददाता के रूप में कारगिल में तैनात हो जाता है। रोमी कारगिल जाती है, जहां उसकी मुलाकात बदले हुए करण से होती है और युद्ध के बीच वो फिर से उसे प्यार करने लगती है। हालांकि करण उसकी भावनाओं को लौटाने के लिए अनिच्छुक रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। हमले के दूसरे चरण में बटालियन पहाड़ की चोटी पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास मौजूद राजनीतिक लाभ और भारी हथियारों के कारण उस पर कब्जा करने में विफल रहती है। यूनिट को भारी खती हुई है। ब्रिगेडियर पूनी ने कर्नल दामले को बुलाया और उन्हें चोटी पर कब्जा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। उस समय अवधि के बाद 5179 की जिम्मेदारी दूसरी बटालियन को दी जाएगी। इसके बाद कर्नल दामले ने 12 अधिकारियों और सैनिकों के एक समूह को पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर 1000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने और दुश्मन के गढ़ की तरफ जाने का आदेश दिया। उन्हें पूर्वी हिस्से से तोपखाने की सहायता प्रदान की जाएगी। कारण को एहसास हुआ कि आखिरकार उसे चोटी पर कब्जा करने के रूप में अपना लक्ष्य मिल गया है। कारण को रोमी की असफल सगाई के बारे में भी पता चलता है और वो उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। रोमी करण से वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी, चाहे वो वापस आए या नहीं। यूनिट अपने मिशन पर निकलती है और घास के मैदान से चट्टान की ओर बढ़ते समय ये आग की चपेट में आ जाते हैं। यूनिट को मैदान में एक पाकिस्तानी मोटर यूनिट मिलती है और उसे नष्ट कर देती है, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर और कई अन्य सैनिकों को खो देती है। टीम के रेडियो भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आरंभिक
12 में से केवल 6 ही बचे हैं। ये मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये सफलतापूर्वक चट्टान पर चढ़ते हैं और रात के दौरान पाकिस्तानी स्थिति पर हमला करते हैं। उनका हमला सफल रहा, हालांकि करण घायल हो गया और टीम ने 3 और लोगों को खो दिया। अगली सुबह करण लंगराते हुए शिखर पर जाता है, जहां भारतीय ध्वजा फहराता है और कर्नल दामले और सूबेदार मेजर प्रतिम सिंह को संकेत देते हुए लगाता है कि उन्होंने शिखर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों बाद करण को एक सेना अस्पताल छोड़ते हुए अपने माता पिता और उम्मी के साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है और उसे पूछता है कि अपना पहला लक्ष्य हासिल करने के बाद इसका अगला लक्ष्य क्या है। करण जवाब देता है आप, और ये दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत कर्नल दामले द्वारा ऑपरेशन विजय के सभी शहीदों को सम्मान देने के साथ होता है। बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।